नमस्कार दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं आपका खुद का चैनल इंडियन बाइक और इस एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूं हक्स वर्ना भीत पिलिन टू फिफ्टी सी सी बी एस सिक्स एफ आई मॉडल एकदम नया बाइक एस एस बजाज बहरमपुर सिटी मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अब ये जो बाइक है अवेलेबल हो गया है मैं आपको एक नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आप फ़ोन कर लेना आप के टी एम पिलिन या फिर बजाज का किसी भी मॉडल का बाइक हो आप ख़रीद सकते हो बस उसी नंबर पे कॉल करके एकदम जेन्य नंबर होगा आप सुबह दस बजे से शाम छः बजे तक फ़ोन कर लेना अगर आप मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हो तभी आप फ़ोन करना सर ठीक है क्योंकि बाइक का डिलीवरी तो इस डिस्ट्रिक्ट में ही होगा और कहीं पे नहीं होगा तो दोस्तों टू फिफ्टी सी का बाइक है पहले से ही मार्केट में बहुत सारे ऐसे बाइक्स हैं और भी कंपनियों का जो टू फिफ्टी में आता है तो आइए थोड़ा हम इस बाइक के बारे में भी जान लेते हैं हमें तो पता चल ही गया कि ढाई सौ सी का बाइक है तो इस गाड़ी में जो फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है वो है हाई स्ट्रेंथ स्टील यूजिंग हाइड्रोफोमिंग ट्यूब्स एंड रोबोट वेल्डिंग इस गाड़ी में इस्तेमाल किया गया है लेकिन ये गाड़ी इसके साथ ही बहुत ही लाइट वेट है लेकिन फिर भी ये गाड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये एक बात है जो जिसे हाईलाइट किया गया है इसके वेब पेज में हाइड्रोलिक बाइबरी ब्रेक कैलिपर्स का इस्तेमाल किया गया है 320 हंड्रेड ट्वेंटी mm एम फ्रंट में और 230 हंड्रेड mm थर्टी रियर में इसका जो ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है डिस का और इसमें जो ए सिस्टम लगाया गया है वो बोस कंपनी का है बोस ए सिस्टम का इस्तेमाल इस गाड़ी में किया गया है अगर मैं सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो आपको इसमें डब्ल्यू पी सस्पेंसन मिलता है फ्रंट में फोर्टी थ्री एम एम का बिग पिस्टन फोक्स के साथ आपको इसे दिया गया है और रियर में आपको मोनोशॉक मिलता है अगर मैं व्हील्स के बारे में बात करूँ तो सेवनटीन इंच का कास्ट एलॉय व्हील्स इसमें दिया गया है क्लिप ऑन हैंडल बार्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है गाड़ी में सिक्स गियर है और इसमें जो पेट्रोल टैंक है वो नाइन पॉइंट फाइव लीटर का टैंक है मतलब कि साढ़े नौ लीटर का आपको पेट्रोल टैंक मिलता है और अगर मैं इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस के बारे में बात करूँ तो एक लाख अस्सी हज़ार प्लस इसका एक शोरूम प्राइस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो आइए अब कुछ बातें मैं कह लेता हूँ इस बाइक के बारे में कि हम इसे क्यों खरीदें पहले बात इस गाड़ी में आपको हर जगह पर ब्रांडिंग मिलता है आपको कहीं पे भी आ, आप अगर इस गाड़ी को टच करते हो वहीं पर ही आपको इसका एक ब्रांडिंग मिलेगा मतलब कि जो हक्स पढ़ने का जो एच है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में तो ये एक अच्छा बात है कि आपको लगेगा कि हाँ मैंने एक ब्रांड ख़रीदा है इसके साथ ही इस गाड़ी में आपको मिलता है एक कैफ़ी रेसर स्टाइल छुट्टी का दिन हो हफ़्ते बार आपने बहुत सारे काम का प्रेशर झेल लिया आप सोचते हो कि कुछ स्पीडी राइडिंग हो जाए तो आपके सामने हो खुला सा एक लंबा सड़क और ये गाड़ी आपको ये गाड़ी टॉप स्पीड लगभग 145 प्लस किलोमीटर का स्पीड आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा आराम से के टी एम डीयुक डोमिनर टू फिफ्टी ज़िक्सर टू फिफ्टी और एफजेड टू फिफ्टी गाड़िया है इसके ऑपोजिट साइड में तो ये टक्कर देगा उन चार गाड़ियों को लेकिन मैं डोमिनर ज़िक और एफ जेड को छोड़ दूँ तो एक गाड़ी बचता है वो है के टी एम डीयुक टू फिफ्टी उसका जो बी एच पी है वो है थर्टी बी एच पी उस गाड़ी में तो मैं इसे बी एच पी का बात करूँगा तो क्यों मैं लूँ एक स्पोर्ट्स बाइक स्पोर्ट्स बाइक में होता है सबसे बढ़िया बात वो है बीएचपी जो इसे ताकत देता है रोड पे सबसे ज़्यादा जोर से दौड़ने का तो के टी एम टू फिफ्टी में आपको मिलते हैं थर्टी बी एच पी हॉर्स पावर मतलब कि तीस घोड़ों का पावर आपको उसमें मिलता है और इस गाड़ी में आपको एक घोड़ा ज़्यादा मिलता है मतलब कि थर्टी वन बी एच पी का स्पीड आपको इस गाड़ी में मिलता है तो ये एक प्लस पॉइंट है और इस गाड़ी में आपको छः गियर मिलता है दोस्तों अगर मैं इस गाड़ी के सीट हाइट के बारे में कहूँ तो ये गाड़ी देखने में छोटा है लेकिन ये गाड़ी असल में जंगल का जिराफ है मतलब कि इसका जो सीट हाइट है वो 835 सौ mm का है मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है इसमें और अगर मैं के टी एम ड्यूक टू के बारे में अगर मैं कहूँ तो उसका भी जो सीट हाइट है वो लगभग 830 सौ mm का है तो उस गाड़ी से भी इसका सीट हाइट 5 एम mm ज़्यादा है और अगर मैं बाजाज डोमिना टू फिफ्टी के बारे में कहूँ तो उसका भी सीट हाइट आठ सौ mm एम एम का है लगभग थर्टी से थर्टी फाइव एम एम कम है इस दोनों गाड़ियों से लेकिन आप फिर भी इस गाड़ी को क्यों खरीदोगे क्योंकि ये के टी एम ड्यूक टू फिफ्टी से चीपर है ऑन रोड तो ये जो एक शोरूम प्राइस है वो तो आपको पता चल ही गया एक लाख अस्सी हज़ार प्लस है इसका एक शोरूम प्राइस राउंड फिगर में और अगर आप इसे ऑन रोड लेना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा शोरूम का जेनुइन नंबर आप उस नंबर पे कॉल कर लेना दोस्तों इस बाइक में आपको पीछे और सामने की ओर दोनों तरफ ही फुल एलईडी लाइट मिलता है और इसका जो साइड इंडिकेटर्स है वो भी फुल एल है साथ ही इस गाड़ी में आपको हर जगह पर ब्रांडिंग मिलेगा मैंने आपको पहले भी कहा है यहाँ पर देखिए टू लिखा गया है और इसका जो सीट है यहाँ पर एक सिलाई दिया गया है योलो कलर का जो एक अलग स्टेक्चर यहाँ पर उभरता है गाड़ी का सीट बहुत ही सॉफ्ट है और ये है फुल्ली डिजिटल मीटर यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा इस गाड़ी में आपको मोड भी दिया गया है वो ए के लिए आपको यहाँ पर मोड दिया गया है उसके बारे में जानने के लिए आपको शोरूम में आना पड़ेगा डिटेल्स जानने के लिए कुछ आप शोरूम से भी तो पूछो कुछ आप शोरूम में भी जानो शोरूम में आप आओ गाड़ी को देखो देखने के लिए खरीदना नहीं पड़ता है शोरूम में आना पड़ता है गाड़ी को देखना पड़ता है उसके लिए टेस्ट राइड भी करना पड़ता है ये अच्छा है इसमें कुछ बुरा नहीं है आप शोरूम में आओ और गाड़ी को नज़दीक से देखो एक टेस्ट राइड करो अगर पसंद आया तो आप इसे खरीद भी सकते हो वरना कोई बात नहीं आप इसे देखो और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करो आपको कैसा लगा ये बाइक और आपका वो ओपिनियन तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते यहाँ पर देखिए फुल एलईडी हेडलाइट है बहुत ही चमकदार रोशनी है इसका मुझे उम्मीद है रात में आपको ये मायूस नहीं करेगा और इस गाड़ी में जो हॉर्न है बस एक ही हॉर्न का इस्तेमाल किया गया है उस हॉर्न का साउंड भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में लेकिन मैं आपको साइलेंसर का आवाज़ नहीं सुना सकता क्योंकि इस गाड़ी में पेट्रोल डाला नहीं है सैनिटाइज करके इसे रखा गया है एकदम साइड में और इसे टच करना भी मना है हर किसी को विद आउट सैनिटाइज हैंड तो मैं सैनिटाइज करके इसे छो रहा हूँ ऐसा समझ मत समझो कि मैंने इसे सैनिटाइज़ नहीं किया तो इस तरफ देखिए रोशनी वाला एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है हैंड क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ तो ये है ओवरऑल बाइक फिनिशिंग बढ़िया है एक ब्रांड है हर जगह पे आपको ब्रांड का टच मिलेगा ऐसा फील आएगा देख के कि हाँ आपने कुछ नया खरीदा है और एक मिलेगा पावरफुल एक्सपीरियंस तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको कुछ जानना है या फिर पूछना है तो उसके लिए कमेंट आप ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए अगले अपडेट आने तक अगर आपको और कुछ जानना है तो मुझसे आप ज़रूर पूछें मैं आपको कह दूँगा और मैं बाइक के बारे में कहूँ कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से जितने भी दोस्त आप हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो आपको हर एक मॉडल हर एक गाड़ी का अपडेट आपको फ्यूचर में भी मिलता रहेगा इसी तरह तो ये जो वीडियो है प्योर फोर के में है मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू